Are you ready? तैयार हैं सारे लोग? चलिए एक बार जोरदार तालियों के साथ वेलकम करते हैं एससी पी एस के धमाकेदार प्रोडक्ट। और सबको पता है कि जब भी कहीं भी प्रोडक्ट की बात आती है तो सबसे पहला हेल्थ कैटेगरी का हमारे पास प्रोडक्ट आता है, वो है हमारा प्यारा इम्यूनोडॉग। आज तक आप लोग इम्यूनोडॉग को नॉर्मल इम्यूनोडॉग देखते थे, लेकिन आज मैं बताता हूँ कि इम्यूनोडॉग इतना फायदेमंद क्यों होता है। दोस्तों इम्यूनोडॉग के अंदर क्या क्या डाला हुआ है, इसमें एलोवेरा डाला हुआ है, त्रिफला डाला हुआ है, कोकन डाला हुआ है, तुलसी डाला हुआ है, जिंजर डाला हुआ है, गिलोय डाला हुआ है, अश्वगंधा, पुरन मासा, मिलाठी और एप्पल एक्सट्रेट डाला हुआ है। लोग बोलते हैं कि इम्यूनोडॉग इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करता है। एग्जैक्टली इम्यून सिस्टम बूस्टअप करता है क्योंकि इसमें एप्पल एक्सट्रेट डाला हुआ है। लोग बोलते हैं सर्दी खांसी को यह सही करता है, कितना भी आपका गला जाम हो उसको सही करने के काम करता है क्योंकि इसमें मिलाठी एक्सट्रेट डाला हुआ है। लोग बोलते हैं पूरी बॉडी की सर्विसिंग करता है क्योंकि इसमें पुरन मासा डाला हुआ है। समझ में आ रहा है? इम्यूनोडॉग हम सारे लोग एज ए बॉडी सर्विसिंग एजेंट किसी को दे सकते हैं। इम्यूनोडॉग कोई दवा नहीं है, ये क्या है, डेली नीड आयुर्वेद है। क्या है ये? डेली नीड आयुर्वेद है। एससी पी एस की कोई भी प्रोडक्ट दवा नहीं है। हम मेडिसिन किसी प्रोडक्ट को नहीं बोल सकते। सारे प्रोडक्ट क्या है, रस है। क्या है? आज के बाद किसी को मत बोलना कि मैं आपको दवा दे रहा हूं। क्या बोलना है अपने को? रस दे रहा हूं। आप किसी को दवा, आयुर्वेद को दवा का नाम आज तक मिला ही नहीं। आयुर्वेद को दवा का नाम मिल जाए तो फार्मास्यूटिकल कंपनी वाले चढ़ जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो हम लोग दवा नहीं देते, हम लोग क्या देते हैं, रस देते हैं। आयुर्वेद और एलोपैथिक के जो वर्किंग स्टाइल उसमें थोड़ा सा अंतर होता है। एलोपैथ क्या करता है, उसमें केमिकल्स होता है, जो बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम अगर हो रहा है उस प्रॉब्लम पे एग्जैक्ट जाके इंपैक्ट करता है क्षणिक मात्र के लिए। जैसे किसी को अगर फीवर है तो हम जो फीवर के लिए पैरासीटामोल लेते हैं, तो पैरासीटामोल केवल फीवर को डाउन कर देता है। फीवर हुआ क्यों, इसको कुछ नहीं करता उसके अंदर। लेकिन अगर आप आयुर्वेद का सहारा लेंगे तो आयुर्वेद फीवर को इसलिए डाउन करता है क्योंकि जिस वजह से फीवर हुआ था उसको स्लो डाउन कर देगा या उसको सप्लीमेंट देके बॉडी को नरिश करता है। तो अपना जो इम्यूनोडॉग है आपके सामने, इम्यूनोडॉग रोग प्रतिरोधक क्षमता को सही करने का काम करता है। क्या काम करता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता को सही करने का काम करता है, आपकी इम्यून सिस्टम को बढ़ाने का काम करता है। हम सारे लोगों के बॉडी के अंदर सेना बैठी हुई है, वो सारे सेना को तंदुरुस्ती प्रदान करता है। तो जब कोई अटैक करे तो यहां से धड़ाधड़ फायर करके लोग उस पर लड़ जाते हैं। ऑटोइम्यून डिजीज हो गया, सर्दी खांसी जुकाम, माइग्रेन की समस्या हो गया, इन सारी चीजों में बहुत ज्यादा हेल्प करता है इम्यूनोडॉग। बॉडी सर्विसिंग एजेंट है। आपकी ब्लड में अगर कोई टॉक्सिक मटेरियल है तो उस टॉक्सिक मटेरियल को भी निकालने का काम करता है। इसमें कोकन डाला हुआ है। समझ में आ रहा है? एक एंटी ऑक्सीडेंट प्रोडक्ट टाइप भी ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा काम करता है। समझ में आ रहा है? तो हर किसी को, खास करके एक नेटवर्कर को इम्यूनोडॉग जरूर यूज करना चाहिए। किसी को अस्थमा है, वैसे केस में हम लोग दे सकते हैं, है ना। अस्थमा वाले को आज के बाद जॉइन क्रेटर ऑयल नहीं देना। क्या देना है? इम्यूनोडॉग देना है। समझ में आ रहा है? लेने का तरीका इसका बहुत आसान है। कैसे लेना है? खाने के घंटे बाद 20 ml 2 टाइम। अगर किसी को गैस एंड एसिडिटी है तो गैस एंड एसिडिटी के केस में इस प्रोडक्ट को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, खाने के घंटा पहले 20 ml 2 टाइम। कैसे इस्तेमाल करना है? खाने के घंटा पहले 20 ml 2 टाइम दे सकते हो। इम्यूनोडॉग की पावर को बूस्ट करने के लिए अगर आप कोई प्रोडक्ट देना चाहते हैं तो 2 प्रोडक्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहला आपके पास है ओमेगा 3 कैप्सूल। कौन सा? ओमेगा 3 कैप्सूल। और दूसरा पंच तुलसी। अगर कहीं भी किसी को आप प्रोडक्ट दे रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो ये 2 प्रोडक्ट को आप साथ में बूस्टर टाइप अगर आप यूज करेंगे तो रिजल्ट आपकी दुगनी बढ़ जाएंगे। कौन कौन से 2 प्रोडक्ट हैं? ओमेगा 3 कैप्सूल और पंच तुलसी। अगर ये 2 प्रोडक्ट दे देते हैं इम्यूनोडॉग के साथ तो जो जिस चीज के लिए भी आप प्रोडक्ट को यूज करवा रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा बूस्टअप आ जाता है, उसमें बहुत ज्यादा पावर आ जा सकती है।